बनाने के लिए सबसे पहले ये प्लास्टिक शील्ड लेंगे। प्लास्टिक शील्ड लेकर के और इसको रेडी करने के लिए ये एक फोम भी साथ में रहेगा। फोम को हम छोटे क्यूब में काटेंगे। छोटे क्यूब में काटने के लिए दो तरीके हैं काटने के। एक को सीजर से काट सकते हैं और दूसरा नाइफ से काटेंगे। सीजर से काटने से एक प्रॉब्लम है कि ये ट्रायंगल कटेगा, ये नहीं चलेगा, ये अच्छा नहीं है, ट्रायंगल अच्छा नहीं है। अगर कट करना है तो नाइफ से कट करिए, स्क्वायर में कटेगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि एक मोटे पीस में कट करके रखना है और एक पतले पीस में कट करना है, दोनों एक साइज में ना रहे। दोनों एक साइज में करने से आगे चल के क्या प्रॉब्लम होगी इसको कंप्लीट तैयार करने के लिए वो मैं बता सकता हूँ, बट इसको एक मोटा और एक पतला इसको ध्यान रख करके इसको ऐसे करना है। दूसरी चीज ये हम इसको फेस शील्ड को अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, पेपर पंच मशीन लेंगे, पेपर पंच मशीन ले करके इसको हम पंच करेंगे। पंच करते समय ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पीस है हम आपको दिखाने की कोशिश एक्चुअली कर रहे हैं, ये हम ऐसे लगाएंगे और ये दूरी हम देखेंगे। एक तो ये पूरा पहले अंदर कर देंगे, फिर इधर से पूरा एक थंब मान के चलते हैं, एक थंब की दूरी तय करेंगे इसको और एक को एक बराबर रख के हम इसको पंच कर लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे रखेंगे, इन दोनों ये क्यूब हमने तैयार करके रखे हैं, जो पतले वाले क्यूब हैं इस क्यूब को हम स्टेपल करेंगे। फर्स्ट ऑफ इसकी भी ये छेद जो हमने बनाए हैं इस छेद के सामने इसको रखेंगे, साइज के हिसाब से देख लेंगे दोनों क्यूब एक बराबर के हैं, फिर इसको हम स्टेपल करेंगे। सबसे आप पहले ये दोनों हमने स्टेपल कर दिए। उसके बाद ये ग्लू लेंगे, ग्लू लेकर के और ये जो स्क्वायर पीस जो मोटे पीस में जो कटे हुए हमने लिए थे दो साइज में अलग अलग से, एक पतला एक मोटा, पतले पीस को मैंने स्टेपल कर दिया, मोटे पीस को मैं ऐसे इसको लूंगा, इस पे ग्लू लगाऊंगा और इसको हम इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करेंगे। अब इसको ग्लू लगा करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा प्रेस करने से क्या है कि ना तो रिटर्न आपके फिंगर पर लगेगा और ग्लू, और ना तो प्लास्टिक शीट तक जा पाएगी। चली भी गई प्लास्टिक शीट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिंगर तक नहीं आएगा आपका और ये चिपक जाएगा। सेम उसी तरीके से हम ये ग्लू लेंगे, ये ग्लू ऐसे लगाएंगे, ग्लू लगाने के बाद इसको हम सेकंड इसके ऊपर चिपका देंगे। ये हमारा ये आराम से अभी चिपक गया, लग जाएगा। ये देखिए अच्छे से चिपक गया। अब इस पे कवर करने के लिए ये नाड़ा हम लगाएंगे। ये नाड़ा जो है हमने एक एक मीटर का काट के रखा है, एक एक फुट का। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे छेद में डालेंगे, छेद में लगाने के बाद इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको सुई धागा लेकर के इसको सिल सकते हैं आप, और दूसरा तरीका यह है कि ये नाड़ा इस मटेरियल का होता है कि जब आप इस ग्लू के इस पट्टी के ऊपर जब आप ग्लू लगाएंगे ना तो ये देखिए ये फ्यूम उड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये बर्न कर दिया इस नाड़े को और ये चिपक गया, ये देख सकते हैं आप। सेम उसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी डालेंगे नाड़े को। हाँ, अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम नॉट भी लगा करके अपना काम कर सकते हैं।
चलिए, ये तो हमारा हो गया फेस शील्ड तैयार। लेकिन इसको थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में ये है कि जब हम इसको ये ऐसे बांधेंगे तो ये पीस, ये हिस्सा जो है, ये कॉर्नर आपके ये शोल्डर पे लगेंगे। तो इस शोल्डर पे ना लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कट करेंगे। ये दोनों पीछे साइड में इसको फोल्ड करना है, पीछे साइड में फोल्ड करके ऐसे लगाना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। इसकी एक लेंथ तय करनी है, ये लेंथ इधर से फिंगर इधर लगा करके ये लेंथ तय करके और इसको ये कट करें। अभी हम इसको जब कंप्लीट हो गया, फिर हम इसको आराम से इसको हम पहन सकते हैं।